जो 4 साल देश ने किया उनका, एक वादा उनने पूरा नहीं किया है। किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, गंगा साफ करने के बारे में, बिहार को स्पेशल पैकेज के बारे में, कोई वादा उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। वो इंतजार जो है वो 19 का और कर ले, इंतजार उनका जो है वो इंतजार ही रहेगा। और बड़े पैमाने पर जो एक गोलबंदी अपोजिशन की है, इनको हराने का काम करेंगे। कल के बाद क्या और लोग भी पार्टी एनडीए छोड़ेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कल एनडीए छोड़ चुके हैं, आगे भी लाइन लगी है। अब जो है वो जब लोग वहाँ से उसको डूबती नाव से भागना शुरू हुए हैं, तो कुशवाहा जी ने अगुवाई कर दी है, तो आगे भी देखिए क्या क्या होता है। बीजेपी ये जानना चाहती है कि अपोजिशन का नेता कौन है, शरद यादव है, शरद पवार है, राहुल गांधी है, चंद्रबाबू नायडू है, कौन है? ऐसा है कि 3 बार अपोजिशन हार ने पहले भी कांग्रेस को हराया था, तो चाहे वो 77 हो कोई कैंडिडेट नहीं था, चाहे वो 89 हो उस समय भी कोई कैंडिडेट नहीं था, और चाहे वो 96 था तो देवगौड़ा जी का नाम भी कोई नहीं जानता था। पहले एक लक्ष्य है कि अपोजिशन सारा गोलबंद होकर के इनको, यानी इनसे नमस्कार करना है, इनको रुखसत करना है यहाँ से। इस देश की तबाही और बर्बादी आज देखिए, आज दुनिया भर में जो आरबीआई के गवर्नर का जो इस्तीफा हुआ है, ये दुनिया भर में भारत की जो इकोनॉमी है उसके बारे में इतना गलत संदेश गया है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शरद यादव राहुल गांधी के बारे में क्या राय रखते हैं? राहुल गांधी ने इन चुनाव में जो मेहनत की है उससे उनने साबित कर दिया कि उनमें आने वाले भविष्य की और तमाम तरह की यानी लड़ाई का मादा है। आप भी हरी झंडी दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कब महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे सर? उपेंद्र कुशवाहा जी ने साफ साफ कहा है, साफ साफ कहा है, 3 रास्ते उनने बताए हैं। आगे जो है वो अब अभी छोड़े हैं तो उनसे बातचीत होगी, पहले बातचीत हुई है, जरा देखते जाइए क्या क्या होता है।